नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर से। यहाँ हरपालपुर थाना क्षेत्र में गलान गांव के पास कुछ ही दूरी पर स्कूल पढ़ने गए 3 छात्र स्कूल के पीछे मुरम की नहाने गए थे, जिससे 3 छात्र मुरम खदान में डूब गए। वहीं पास में ही पहाड़िया के मंदिर की पुताई कर रहे युवक ने छात्रों को डूबते हुए देख लिया था। एक छात्र को बचाकर बाहर निकाल लिया, जबकि 2 छात्रों को पुताई करने वाला युवक बचा ना सका। पुलिस ने दोनों छात्रों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान भी किया था और एम्बुलेंस की मदद से नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर भी किया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर दोनों छात्रों को मृत घोषित भी कर दिया। छतरपुर से अभिनय तिवारी की रिपोर्ट। मुझे पटवारी से सूचना प्राप्त हुई थी कि आज गलान में 2 बच्चे स्कूल के पीछे कोई खदान है, उसमें भरे पानी में डूब के उनकी मृत्यु हो गई है। मैं उनकी सूचना पर तत्काल यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ आके मैंने जांच की तो पाया कि स्कूल के खुलने के पूर्व ये 3 बच्चे आ गए थे। इसमें एक गोलू पिता मिथिलेश यादव, इसको घनश्याम अहरवार ने डूबते से बचा लिया है। मौके पर इसकी जांच भी की गई है मेरे द्वारा और ये खदानों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। लापरवाही कितनी इसमें से? स्कूल की लापरवाही तो प्रथम दृष्टया अभी परिलक्षित नहीं हुई है, क्योंकि जिस समय बच्चे घर से निकल आए थे उस समय स्कूल बंद था। उत्खनन नाम भी आ रहा था, अवैध उत्खनन की इसमें जांच कराई जाएगी और इसमें माइनिंग विभाग को भी लिखा जाएगा कि इसमें जो भी ये माइनिंग का अवैध उत्खनन किया है उनके खिलाफ प्रकरण तैयार करें और माइनिंग के ये जो अवैध रूप से जो खदाने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं इनको भी या तो वायर फेंसिंग कराएं या इनको करवा दें। मामला ये है, गलान करके ग्राम है हमारे हरपालपुर में, लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। वहाँ प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, उसके पीछे एक खदान है मुरुम की, जो काफ़ी दिनों से शासकीय भूमि पर है वो, और लोग वहाँ से अक्सर करके मुरुम वगैरह निकाल के अपने घर वगैरह में डालते रहते हैं। उस खदान में बरसात का पानी भरा हुआ था, गांव के बच्चे वहीं स्कूल गए थे, वहीं से वो नहाने के लिए चले गए, जिनकी उम्र लगभग 10-12 साल की है और वो तैरना थोड़ा बहुत जानते थे। उसी में 3 बच्चे पानी पे उतरे, 2 बच्चे तो पूर्णतया डूब चुके थे, एक बच्चे को एक बरेली पड़ोस के गांव का था उसने उसके बाल देखे तो बच्चे को खींच के बाहर निकाल लिया। वो तो बच्चा जीवित बच गया, किंतु 2 बच्चे उसमें डूब करके मृत हो गए हैं, जिनका पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए नौगांव भेजा गया है।